कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश खुशखुरम रखे। मैं आज आपके लिए जरदा चावल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनने में बहुत ही आसान है, खाने में इतनी ही लजीज है। ये उसके लिए मैंने चावल लिए हैं, ये 1 कप मैंने चावलों का ले लिया है, फुल कप मैंने चावलों का लिया है। ये मैंने पानी में सोख करके रख दिए हैं, साथ में येलो कलर जाएगा और रू केवड़ा जाएगा। और बनाने के लिए मुझे घी चाहिए, और जो उसमें मसाले दूसरे जाएंगे, ये नारियल है कटा हुआ, और बादाम है, किशमिश है, और ये होम मेड टूटी फूटी है। ये देखिए मैंने खुद घर में बनाई है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, बहुत ही बेहतरीन बनी है। साथ में कुछ इलायची हैं, ग्रीन सब्ज इलायची हैं, और ये लौंग है। तो चले शुरू करते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें अब लौंग डालूंगी, तकरीबन 3-4 लौंग हैं, और साथ ही मैं चावल डाल रही हूँ। चावल साथ ही जा रहे हैं। ये जर्दा कलर मैंने डाला है, आप चेक कर लें कि डार्क चाहिए लाइट चाहिए, क्योंकि बाद लोग डार्क पसंद करते हैं, मुझे भी डार्क ही अच्छा लगता है। मैं इसमें अभी और थोड़ा ऐड करूँगी। चावल हमारे उबल चुके हैं, 1 कनी रहती है, अब मैं इनको ड्रेन करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, मुझे जर्दे में नमक की टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है। अब इनको मैं ड्रेन कर रही हूँ। अब मैंने इसमें तकरीबन ये 3 टेबलस्पून जो है ना मेल्ट किया हुआ मैंने घी डाला हुआ है। आप देख लें, अगर आप जमा हुआ डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, मेल्ट किया होगा तो 3 टेबलस्पून 1 कप चावलों में मोर देन इनफ है। मैं इलायची डाल दी है, साथ ही मैं शुगर डालूंगी इसके। शुगर का मैं आपको बता दूं, शुगर का आपको मैं बता रही हूँ, ये देखें फुल कप चावल थे ये, और ये मतलब फुल कप चीनी नहीं मैंने लिया, मैंने कम थोड़ा सा कम लिया है। तो आप प्लीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से लें, क्योंकि बाद लोग जो है बराबर की शुगर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी ताकि चीनी अच्छी तरह की डोल्व हो जाए। चीनी हमारी डिजोल्व हो चुकी है, अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। जो चाशनी है आप प्लीज मेक श्योर करें कि ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक तार की हो, मतलब हाथ जब आप उसको टच करें तो ज्यादा हाथ के साथ वो चिपके ना। अब ये साथ ही बादाम और मेवा और कोकोनट ये डाल रही हूँ मैं, और टूटी फूटी जो मैंने घर में बनाई है। अब देखिए माशाल्लाह पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको मैं दम पे रखूँगी, दम पे लगाने से पहले केवड़ा डालूँगी, और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब केवड़ा है। अब मैं इनको दम पे रखने लगी हूँ, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको, चावल हमारे माशाल्लाह रेडी है, तो इनका दम मैंने उतार दिया है। अब देखते हैं कि मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह टूटी फूटी का कितना खूबसूरत कलर है, ये ज़रदा हमारा माशाल्लाह रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, ट्राई करें, घरों में बनाएं। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और प्लीज़ वीडियो पूरी चेक किया करें, स्किप ना किया करें, इससे आपको भी फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।